Hey guys, welcome back to my channel. My name is Subha Mehrotra और होपफुली आप लोगों को मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी इस विस्लर रोड ट्रिप सीरीज़ की। और आज की वीडियो में हम पेम्बरटन से चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से और विस्लर की तरफ निकल रहे हैं। एक नाइट हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे और बीच रास्ते में हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर भी प्लान करा हुआ है। होपफुली उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या प्लान है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो और निकलते हैं विस्लर की तरफ। ये देखो इतने क्विक है, अभी इतनी ज्यादा पड़ी भी नहीं, बट स्टिल साफ करने वाले ट्रक आ चुके हैं और अभी वो वहां से साफ कर रहा है और अभी इस लेन में भी आएगा साफ करने। तो काफी आराम आराम से देख के चलानी पड़ रही है क्योंकि ये जो रोड है ये एक्चुअली हाईवे नहीं है और काफी ज्यादा स्नो यहाँ पे हो चुकी है फॉल। और हमें ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है स्नो में ड्राइव करने का, इंडिया से आए हैं सब। बट तभी हमने कार रेंट करा था और हम लोग अपनी कार में नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास विंटर टायर्स नहीं थे, तो काम आ गया कार रेंट करना। भी अभी तक लग रहा था पैसे वेस्ट करे अपने में ही आ जाते, बट स्नो मिली गई रोड पे। तो गाइस जो वो फन एडवेंचर की मैं बात कर रहा था वहाँ हम एक्चुअली आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है पूरे रास्ते में। हमें अभी स्नोफॉल मिली है और यहाँ पूरा वाइट हो रखा है। और वो एडवेंचर एक्चुअली शूटिंग है जो कि हम में से किसी ने भी कभी नहीं करी है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की गन्स चलाएंगे हम यहाँ पर। ये शूटिंग रेंज मेरे पीछे बना हुआ है और स्नो में शूटिंग करने का अलग ही मज़ा आएगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस हम विस्लर शूटिंग रेंज गए थे जहाँ पे अलग अलग टाइप के वेपन्स थे और अलग अलग टाइप के पैकेजेस थे जिसमें आप वेपन्स चला सकते हो। और काफ़ी बड़ी रेंज में बना हुआ था ये, काफ़ी बड़े एरिया में, और इसमें अलग अलग कॉलम्स बने हुए थे शूटिंग करने के लिए और आगे टारगेट्स लगे हुए थे। और हमने जो पैकेज लिया था वो $95 पर पर्सन का था, बुलेट्स एंड बकशॉट, जिसमें 9mm हैंडगन, 9mm कार्बाइन, पंप एक्शन शॉटगन और मार्क्समैन राइफल चलाने को मिला। कैसा था? तो गाइस शूटिंग हो गई है, ये विस्लर शूटिंग आए थे हम यहाँ जो पेम्बरटन के पास ही है, विस्लर और पेम्बरटन के एकदम बीच में है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मैं कार में बैठ के बताता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। पहली बार हम तीनों ने शूटिंग करी, अलग अलग तरीके की गन चलाई। इससे पहले हम में से किसी ने भी असली गन नहीं चलाई थी, एयर गन टाइप चलाई थी जो कि असली गन नहीं होती। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, वाइल्ड, यू नो द बेस्ट वाज द स्नाइपर गन एंड आई डिड सो वेल, इवन द लाइक यू नो वो बंदा भी कह रहा था कि सबसे अच्छा आपने पता है ऐसे ही कह रहा था, ऐसे नहीं कह रहा था, उसने मेरी फोटो ली अपने इंस्टा के लिए। गाइस प्लीज वॉच हिज इंस्टा, क्या था, विस्लर शूटिंग, या विस्लर शूटिंग को फॉलो करो एंड उसमें देखना मेरी फोटो, उसने मेरी लाइक भी कर देना, लाइक प्लीज लाइक, और मुझे भी फॉलो करना सुबह मेरे उतरा। आपके आपके फेवरेट गन कौन सी थी? राइफल अच्छी थी, बहुत अच्छा मजा आया मेरे को चला के। तो हम इन पे अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो जो पापा और मैंने पैकेज लिया था उसमें हमने चार डिफरेंट गन्स चलाई थी, एक्चुअली पांच डिफरेंट गन्स चलाई थी। दो अलग टाइप की हैंड गन थी, एक शॉट गन थी, एक राइफल थी और एक स्नाइपर राइफल थी। आई थॉट कि गन का रिकॉइल बहुत होगा और मेरे शोल्डर में ठा लगेगा एंड यू नो कहीं ऐसा ना हो बाद में लेटर ऑन पेन हो, या बट ऐसा कुछ था नहीं। बट मेरी भी फेवरेट जो वो थी राइफल, स्नाइपर नहीं, मेरी राइफल थी पापा, क्योंकि वो सबसे इजी थी और उससे ना टारगेट पे मारना बहुत इजी था। तो गाइस अभी हम फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं रूम में, आ जाओ। होटल चेक इन कर लिया है, रूम टूर, टूर क्या ऐसे दिखा देता हूँ। टीवी ऑन छोड़ गए ये लोग, एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। और बाहर से व्यू देख लेते हैं, स्नोफॉल अभी भी हो रही है, लगातार रुकी नहीं है। और ये वॉशरूम है, एक बाथटब, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम भी। तो गाइज अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी और आप लोगों को नहीं पता, तो आज मेरे मॉम डैड की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है और होटल वालों ने हमें थोड़ा फ्री सामान भी दिया है उसके लिए, फ्री वाइन दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री वाइन और स्नैक्स थोड़े बहुत। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर,
कि ये जो मिनी बार मिनी फ्रिज टाइप का है इसमें ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेक्ट हो जाता है अगर आप कुछ भी उठाते हो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ना सेंसर्स लगे हैं, आप कुछ भी उठाओगे तो पेमेंट अपने आप कट जाएगा, चाहे आप वापस रख दो बिना पिए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि लोग ना यहाँ पे ये जो रूम में होता है वो तो पी लेते हैं और फिर सेम कुछ बाहर से खरीद के रिप्लेस कर देते हैं कि होटल वालों को पता ना चले, बट काफी तेज हैं ये लोग भी। तो कैसा लग रहा है एनिवर्सरी का गिफ्ट? I know, this was not expected. तो एनिवर्सरी थी तो होटल वालों ने एक और गिफ्ट भेज दिया, शैंपेन, दो ग्लासेस और एक को ये केक है। और अभी हम यहाँ होटल थोड़ा घूम रहे थे, चेकआउट कर रहे थे चीजें और हमें पूल दिखा और ये बाहर बना हुआ है पूल और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, नीचे गर्म पानी में लोग पूल में एंजॉय करते हैं काफी। ये तो वही है, हॉट स्प्रिंग की तरह हो गया है। तो Hey guys, wedding anniversary, 25th wedding anniversary की night है और अभी हम dinner करने जा रहे हैं। सब dressed up है suit वूट में और इन्होंने तो वो भी पहना है और मैं तो बस काले suit में camera के साथ cameraman लग रहा हूँ शादी में जो आते हैं। तो बस चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा होटल भी घुमा देते हैं और जहाँ हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ फेयरमोंट में ही रेस्टोरेंट है जो वहाँ हम खाना खाने जाएंगे और आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि क्या खाएंगे आज। तो अभी हमने खाना ऑर्डर करा था ऑलमोस्ट एक घंटे पहले, एक घंटा हो चुका है अभी तक खाना नहीं आया। इन्होंने ये ब्रेड दी थी, मैंने तो सारी खत्म कर ली है। मैं सोच रही हूँ मैकडॉनल्ड्स खा लेते हैं। हाँ, सूट पहन के मैकडॉनल्ड्स खाएंगे हम, गाड़ी से ड्राइव थ्रू से ले लेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा हमने सूट पहना है, हम ओवर ड्रेस्ड है, नोबडी वुड नो। खाना खा लिया हमने, अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं और बहुत ही अच्छा खाना था। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा था। आपकी फेवरेट डिश कौन सी थी? सर्विस वाज ओके, थोड़ा टाइम लगा आने में, मे बी कुछ फ्रेश बनाया था इन्होंने, पता नहीं क्या करा था, कुछ बहुत ही ज्यादा फ्रेश बना दिया था एकदम, अभी पकड़ के लाए थे लैम्ब और चिकन, बट अच्छा था, वर्थ था भाई। तो अब चलते हैं रूम में और केक और शैंपेन पड़े, अब जाके वो पीते हैं और खाते हैं। तो गाइस अभी जिम हमारा हो चुका है, जकूजी में हम फिर से आ गए हैं, कल रात भी आए थे और आज व्यू दिखा देता हूँ मैं क्योंकि अभी दिन है, दिख जाएगा, कल रात तो दिखा नहीं था। ये एक्चुअली अडल्ट जकूजी है तो यहाँ पे इन्होंने ये ड्रिंक्स मेन्यू भी साइड में लगा रखा है, लोग यहाँ जकूजी में बैठते हैं और खाना पीना ऑर्डर करते रहते हैं। बाहर इतनी गर्मी थी सोना में और गर्म पूल में, यहाँ पे इन्होंने ठंडा अलग अलग फ्लेवर का पानी रखा हुआ है। ये क्या है? ऑरेंज स्ट्रॉबेरी? नहीं, दिस इज ऑरेंज, ओ ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स, दिस इज क्यूकम्बर लेमन। हमारा ट्रिप खत्म हो चुका है, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा वीडियोस देख के, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी एक्साइटिंग ट्रैवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।